हे एवरीवन, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी इमेज के कलर कास्ट को नेचुरल टोन में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं। समटाइम्स अननेचुरल लाइट सोर्स के कारण फोटोज के ऊपर किसी एक ही कलर का इफेक्ट ज्यादा आ जाता है, जिससे फोटोज नेचुरल नहीं लगते। इसे ही कलर कास्ट कहा जाता है, जिसे हम कलर एडजस्टमेंट की हेल्प से इजीली करेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि येलो कलर का इफेक्ट इस इमेज के ऊपर काफी ज्यादा है। इस इमेज को नेचुरल टोन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इस इमेज की एक और कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट लेयर, और इस लेयर को नेम डिफाइन कर देते हैं एवरेज ब्लर। और इस डुप्लीकेट कॉपी में हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे एवरेज ब्लर। बेसिकली एवरेज ब्लर इमेज में अवेलेबल जितने भी कलर्स हैं उनको कैलकुलेट करके एक कॉमन कलर बनाता है और उसे उस लेयर पे फिल कर देता है। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर्स में और अप्लाई करेंगे लेवल्स। सो ऊपर एडिट प्रॉपर्टी पैनल में हमें लेवल की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ये तीन आई ड्रॉपर्स, जिसमें से हमें सेकेंड नंबर का आई ड्रॉपर पिक करना है, जो कि ग्रे कलर के लिए यूज़ किया जाता है, और इस कलर पे हम क्लिक करेंगे जिससे ये कलर आपको ग्रे मोड में चेंज होके दिखाई देने लगेगा। और अब होगा मैजिक। एवरेज ब्लर वाली लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ करते हैं और हम देखेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा येलो कलर था वो इमेज से हट गया है। हम इस लेवल की विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करके इस इफेक्ट को देख सकते हैं। सो बेसिकली ये ऑप्शन इमेज में पिक किए गए उस कलर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे उसकी इंटेंसिटी इमेज में कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब हम इस इमेज के स्किन टोन को भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम इस इमेज को कर लेते हैं कॉपी मर्ज, जिसके लिए हम करेंगे पूरी इमेज को एक साथ सेलेक्ट, जाएंगे एडिट मेन्यू में कॉपी मर्ज ऑप्शन, और इसके बाद हम कर देंगे पेस्ट, जिससे जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे कंबाइन होके एक न्यू लेयर में पेस्ट हो जाएंगे। और अब हम जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू में और ऑप्शन चूज़ करेंगे कलर रेंज। कलर रेंज के डायलॉग बॉक्स में इस सेलेक्ट ऑप्शन में हम जाके स्किन टोन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली इमेज में स्किन पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप सिलेक्शन प्रीव्यू वाइट मैट सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फजीनेस सिलेक्शन के एरिया को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई पार्ट जिसमें अलग टोन हो वो स्किन टोन में ऐड ना हो, तो उसे आप इस तरह से मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अगेन एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से अप्लाई करेंगे कलर बैलेंस, जिसमें हम रेड कलर की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लगभग 10, और मैजेंटा को भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करेंगे -10, तो जिससे हमें स्किन के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेड मैजेंटा का टोन मिल जाएगा और इमेज हमें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगने लगेगी। टीथ के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। जूम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं लेसो टूल से, फेदर डिफाइन करके रखेंगे 2 पिक्सल, और इसमें हम ऑप्शन अप्लाई करेंगे ह्यू सैचुरेशन। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, टीथ के ऊपर जाके आपको माउस को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से, जिससे कलर्स डीसेचुरेट होने लगेंगे। आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं सैचुरेशन ऑप्शन को पिक करके, और इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। डीसेचुरेशन की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम उस लेयर की ओपेसिटी को कम कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से इमेज के कलर कास्ट को रिमूव किया जा सकता है। तो इस सेशन में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।